हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी का कमाल की एक अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, सैमसंग गैलेक्सी के अंदर आपको सैमसंग की गैलरी ऐप के अंदर आपको खुद का फोटो एडिट ऐप मिलता है, जिससे कमाल की फोटो को आप एडिट कर सकते हैं सैमसंग के ऐप के थ्रू। दोस्तों उसी ऐप के अंदर एक नया अपडेट आया, नए अपडेट के साथ कमाल के नए फीचर ऐड ऑन किए गए, जिसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आए सबसे पहले मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो कर लें। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनियर और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि बताया, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग के जो फोटो एडिटर ऐप होती है उसके अंदर के नए अपडेट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो उस अपडेट के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जाना है आपको अपने मोबाइल के यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर में, एंड देन अपडेट्स वाले सेक्शन में चले जाना है। तो वहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी नई ऐप्स के अपडेट्स मिल रहे होंगे, तो हमें वहाँ पर जाना है फोटो एडिटर वाले ऐप के अंदर। अगर आपके पास यहाँ पर वो अपडेट नहीं मिल रहा है तो उसके अलावा भी आप कहाँ जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जाना है अपडेट वाले सेक्शन में। यहाँ पर जाने के बाद आपको नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट मिल रहा होगा फोटो एडिटर ऐप के बारे में। आपको दिख रहा होगा, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा तो आप गैलरी में जाके भी वहाँ पर अपडेट्स के सेक्शन में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या नए चेंजेस किए गए। यहाँ पर दो नए चेंजेस किए गए, रीऑर्गेनाइज लेआउट एंड इम्प्रूव सिलेक्शन मेथड ऑफ स्पॉट्स कलर फीचर। तो स्पॉट कलर जो फीचर है उसको इम्प्रूवमेंट कर दिया गया है, और जो उसका सिलेक्शन मेथड है उसको इम्प्रूव कर दिया गया है। सेकंड फीचर दिया है यहाँ पर ऑब्जेक्ट एरेटर मेथड ऑफ सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट, एडेड मैग्नेटिंग लैसो ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको दे दिया गया। तो इसको नीचे तक देखिए आप, इस अपडेट को रोल आउट किया गया 4 अप्रैल को, जिसका साइज है 40 MB का। मेरे पास ये आज ही के दिन रोल आउट हुआ है, तो उसको कर लेते हैं पहले तो अपडेट, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसका क्या क्या नए नए चेंजेस किए गए। तो फाइनली दोस्तों हो चुका है अपडेट। अपडेट करने के बाद मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है रिकॉग्नाइज लेआउट इम्प्रूवमेंट, जो आपको स्पोर्ट्स कलर के अंदर दिया है। तो इसको मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया, और यहाँ पर मैंने अपनी कोई सी भी एक फोटो को यहाँ पर ले लिया है। अब बात करें यहाँ पर सबसे पहले फीचर की, वो है स्पोर्ट्स कलर के लिए। तो यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ पर गया स्पॉट कलर के अंदर, और स्पॉट कलर के अंदर आने के बाद मुझे यहाँ पर किसी भी एक कलर को हाईलाइट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं ले लिया है, या मुझे ये वाला कलर लेना है। तो यहाँ पर आप हाईलाइट कर सकते हैं, और इसको बहुत एक्यूरेसी से कर दिया गया है। पहले कुछ जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको यहाँ पर रेक्टिफाई कर दिया गया है, और अच्छे से आप इसका यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। तो ये फीचर काफ़ी शानदार दिया गया, मुझे बहुत पसंद है। पर्सनली ये फीचर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद बात करें सेकंड जो फीचर की, वो है ऑब्जेक्ट इरेजर के अंदर आपको यहाँ पर मैग्नेटिक लैसो का इफेक्ट मिल गया। कैसे ये काम करता है, तो उसके लिए वापस आपको यही वाले ऑप्शन में जाना है, मोर में, और यहाँ पर जाना है आपको ऑब्जेक्ट इरेजर वाले ऑप्शन पर। ऑब्जेक्ट इरेजर वाले ऑप्शन पे जैसे ही जाएंगे आपको दिख रहा होगा मैग्नेटिक लेसो ऑटोमेटिक ये ऑन हो चुका है, और आप इसको क्लिक करके यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी इसको ऑफ कर दिया है। अब मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। लाइक मुझे ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से इरेज करना है, तो मैंने यहाँ पर गया और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट करा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से इसको इरेज करा, ये विदाउट मैग्नेटिक लेस के करा है, और अब मैं कर रहा हूँ उसको, ठीक है, ये आपने देख लिया। और सेम चीज़ को डिलीट करूँगा अब मैं मैग्नेटिक लेसो से। अब मैग्नेटिक लेसो को ऑन करा, और मैंने यहाँ पर ये चीज़ को सिलेक्ट करा कि मुझे इसको हटाना है, ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट करा, उसने ऑटोमेटिक उस ऑब्जेक्ट को सेट कर लिया कि जिस ऑब्जेक्ट को मुझे हटाना है। जैसा कि वहाँ पर आप देखेंगे पहले इतना अच्छे से उसने नहीं करा था, अब उसने ऑब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से वहाँ पर कैप्चर कर लिया है। उस ऑब्जेक्ट को कैप्चर करने के बाद मुझे सिर्फ यहाँ पर इरेज पे क्लिक करना है, और अब आप देखेंगे कितना शानदार तरीके से वो ऑब्जेक्ट वहाँ से इरेज हो चुका है। मतलब ये फीचर बहुत ही शानदार तरीके से काम करा, मैग्नेटिक लेसो की वजह से मैंने बहुत अच्छे से ऑब्जेक्ट इरेज कर सका। और अगर मान लो मुझे अब ये वाला ऑब्जेक्ट इरेज करना है, मैंने वहाँ पर सेलेक्ट करा, आप देखेंगे उसने सेलेक्ट कर लिया है, और मैं इरेज करूँगा तो आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला फीचर काम करता है, और मैग्नेटिक लेसो के आने से बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम कर रहा है। तो मुझे ये फीचर रियल में बहुत शानदार लगा। अब आप देख सकते हैं आपके सामने ही मैंने हाथ में से वो भी रिमूव हो चुका है। तो बहुत ही अच्छे से वाला फीचर काम कर रहा है, और यही नया चेंजेस था इसके अंदर जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। दो ही नए फीचर ऐड ऑन किए गए, उन दोनों फीचर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।
दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे DM करके ही पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक में फॉलो कर लेना, और एक और सबसे बड़ी चीज़ मुझे व्हाट्सएप पर ही फॉलो कर लेना, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच।